नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, धोरण 9 विषय हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। कुछ शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। यात्रा बिरु यानी यात्रा से डरने वाला, अंट शंट यानी मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश जिसमें कोई अंकुश न हो, आश्वस्ति यानी आस्था आश्वासन तसल्ली, वांछित यानी इच्छा अनुसार, इंतजार यानी प्रतीक्षा, वाट यानी राह, अतिरिक्त यानी उपरांत, छेड़ना यानी उकसाना, खुशर्त यानी अप्रिय, अधेड़ यानी आधे से ज्यादा उम्र वाला प्रौढ़, हवालात यानी जेल, अहम बात यानी मुख्य बात, प्रीतिकर मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना तो बचाना। मुहावरा है पहला, पाला पड़ना तो संबंध जुड़ना। उसका वाक्य प्रयोग करें, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा मुहावरा है, चुप्पी सी छा जाना, खामोशी छा जाना। उसका वाक्य प्रयोग है, कुछ देर आवाजें हुई फिर अचानक चुप्पी सी छा गई। तीसरा है, असमंजस में पड़ना यानी उलझन में पड़ना, निर्णय न कर जाना, द्विधा में पड़ना, क्या करूं या क्या ना करूं यह समझ में न आना। उसका वाक्य प्रयोग करें तो, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। निबाह होना यानी घर खर्च निकालना यानी गुजारा होना। वाक्य प्रयोग देखें तो, इतनी कम आमदनी में उनका निबाह होना मुश्किल था। उद्विग्न करना यानी पीड़ा देना, चिंतित करना। वाक्य प्रयोग करें तो, पुत्र की बार बार की शिकायतों ने माँ को उद्विग्न कर दिया। एक और मुहावरा है, दामन थाम लेना यानी कि आश्रय लेना। वाक्य प्रयोग है, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, लड़की ने मोहन से दिदियाते हुए क्या कहा? लड़की ने दिदियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथा प्रश्न है, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? मोहन लड़की से विवाह करने इसलिए तैयार हो गया कि लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। आखिरी प्रश्न, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था, यानी कि मोहन उन लेखक दंपति को अपने माँ बाप के समान मानता था। निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? पहला है, इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी।
दूसरा है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीसरा प्रश्न है, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। पहला है, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। दूसरा है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। तीसरा है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। विधान पूर्ति कीजिए। इसमें चौथा है, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाला पड़ना, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। असमंजस में पड़ना, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। दामन थाम लेना, बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। वांछित तो अवांछित, परिचित तो अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो अप्रीति, संतोष तो असंतोष, शोषण तो पोषण, अपनापन तो परायापन, प्रीतिकर तो अप्रीतिकर, प्रिय तो अप्रिय। इसी प्रकार विरोधी शब्द बना सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो इसके उत्तर में, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दे दी। जब मोहन ने कहा कि बाबूजी आप किसी भी रिक्शा में बैठेंगे तो मेरी रिक्शा में क्यों नहीं, इसी प्रकार इस बात के कारण उनको ये मोहन से लगा हुआ, इसीलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। दूसरा प्रश्न है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। तीसरा प्रश्न है, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? क्योंकि लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ यानी कि आधे से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति के साथ बेच रहे थे। लड़की उस खुशहट अप्रिय व्यक्ति के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इसे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी, इसलिए। चौथा प्रश्न है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? लेखक मोहन को इसलिए बड़ा बताते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं
पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशा ग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। और भी प्रश्न है, विस्तार से उत्तर दीजिए। लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो लेखक इसलिए यात्रा से डरते थे क्योंकि लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते थे कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों के लेखक यात्रा से डरते थे कि रिक्शा वाले आएंगे, रिक्शा वाले कितना भाड़ा मांगेंगे। यही चिंता के कारण वो डरते थे। दूसरा प्रश्न है, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपना कर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसा जताया? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। मेहनत के पैसे थे फिर भी उसे तुच्छ लगता था। पारिश्रमिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक ने मोहन के ने अपना अपनापन जताया।